चुकी है मुरादाबाद। मुरादाबाद में लोगों से बात करेंगे क्योंकि मुरादाबाद वही शहर है जो प्रसिद्ध है अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए। जानेंगे माहौल है लोकसभा चुनाव का तो किस तरह से, क्योंकि अब तक बीजेपी के खाते में सीट रही है, तो सबसे पहले सवाल भी बीजेपी का होगा। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से अब तक जो विकास हुआ, कितना विकास हुआ? देखिए, जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, जिसमें तो नो डाउट इस देश का बहुत बहुत अच्छा विकास हुआ है, जितना कभी पिछले काफ़ी सालों में नहीं हुआ। इन 5 सालों में बहुत विकास हुआ है। हाँ, ये बात सच है कि सब कुछ 5 साल में नहीं हो सकता। निश्चित रूप से मोदी जी को अभी एक मौका और दिया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 5 सालों में शायद उनकी गवर्नमेंट आएगी और इस देश को बहुत ऊँचाइयों पर लेके जाएगी। किस तरह का प्रत्याशी आप चुनना पसंद करेंगे? प्रत्याशी तो भाई साहब जो बिल्कुल हिंदू माइंडेड हो, जो देश के लिए मरे। मोदी के साथ जो खड़ा हुआ है वो हमारा प्रत्याशी है। क्या ये सही है, धार्मिक भावनाओं के साथ में राजनीति हो रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कहाँ पे बताओ, राम मंदिर का मुद्दा तो बात ही नहीं है, हो ही नहीं रही है अब। बिल्कुल बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर राजनीति खेली थी, उसके बाद में अभी तक राम मंदिर नहीं मिला लोगों को। वो कोई बात नहीं, आने वाले जब चुनाव है ना, इसके बाद उस विषय पे बात हमेशा जारी है और वो राम मंदिर वहीं बनेगा, मंदिर वहीं बनेगा। मैं अगर लोकसभा में कैंडिडेट की बात करूं, कैसा कैंडिडेट होना चाहिए, आप कैसा पसंद करें? कैंडिडेट तो ऐसा होना चाहिए जो मोदी के साथ कंधे से कंधे मिला के लड़े और साथ साथ पब्लिक की पूरी सपोर्ट करे, पब्लिक की जो भी परेशानियां हो उसको सुनने के लिए तैयार रहे। कितना बदलाव हुआ मुरादाबाद? मुरादाबाद में तो देखिए, ऐसे फिजिकल स्तर पे तो बहुत ही बदलाव हुआ, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक के लिए अगर कहें तो, जैसे पहले हम इलेक्ट्रिक के लिए सोचते थे कि बिजली आ गई, अब तो ये होता है कि चली गई या 2-4 मिनट के लिए जाती है और हमेशा के लिए रहती है। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इस बार क्या सिर्फ लोकल कैंडिडेट को देखकर वोट किया जाएगा या नरेंद्र मोदी को देख? नहीं, नरेंद्र मोदी के साथ साथ हमें लोकल कैंडिडेट इस स्तर पर देखना पड़ेगा जो समाज की बात सुने, शहर की प्रगति आगे लेके चले, शहर के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे, क्षेत्र के लिए काम करे, और जो ये गुंडागर्दी चलती है इस गुंडागर्दी को खत्म करे, खत्म कराए, प्रशासन पे दबाव बनाए, चोरी चकारी गौकशी जो होती है इसको रोके। अच्छा, कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी जो मशहूर शहर है उन्हें उतारा है गठबंधन से, डॉक्टर एस टी हसन गौड़ उनकी भी एक अच्छी छवि रही है, क्या कहें, कितना कामयाब रहे? कांग्रेस ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली है और इसीलिए उन्होंने राज बब्बर को हटा के उसको भेजा, उन्हें मालूम है कि यहाँ मोदी के अलावा कुछ नहीं है, भारत में मोदी ही आएंगे और आना चाहिए। और कांग्रेस को तो जिन लोगों ने देशद्रोह की बात करी है, आतंकवादियों को मारने के ऊपर, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये हमें इसका जवाब दो कि ये गलत है, सबूत चाहिए, तो वो तो देशद्रोही हैं। ऐसे आदमी को तो तुरंत से पहले बंद कर देना चाहिए और उनको वोट देना तो बहुत दूर की बात है, उनकी बात भी नहीं सुननी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे क्या खूबियां होनी चाहिए एक आपके कैंडिडेट? विकास करने वाला हो, पब्लिक की बात सुनने वाला हो, यही मुद्दा होना चाहिए। और जब से योगी मोदी आए हैं विकास की रफ्तार चालू है। मुरादाबाद में कितना बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है, 24 घंटे बत्ती आ रही है, 20 घंटे देहात में आ रही है, इससे पहले सरकारों में 4 घंटे आती थी शहर में बत्ती। युवाओं की एक हमेशा मांग रही है यूनिवर्सिटी को लेकर, वो अब तक हासिल नहीं? ये बड़ा मुद्दा है, अभी 5 साल हुए हैं, अगले 5 साल में देखना यूनिवर्सिटी बनेगी, सब चीज होगी। अच्छा, एक युवा होने के नाते आपसे जानना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए था मुरादाबाद में? मुरादाबाद में एम्स ताकि बनना चाहिए और एम्स ताकि बनेगा भी। अभी अभी अगर एजुकेशन को लेकर बात करें, रोजगार को लेकर बात करें, कितना बदलाव हुआ? मतलब काफी बदलाव हुआ है और एजुकेशन का मतलब आपकी आज की डेट में तो मतलब बहुत बदलाव है। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ में, हम उनसे ही बात करेंगे। नेताजी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार कितना बदलाव हुआ है मुरादाबाद में? मुरादाबाद में मैं नहीं समझता मुरादाबाद में कोई बदलाव हुआ, क्योंकि मुरादाबाद तो जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। और गोविंद नगर अंडर पास के लिए वायदा हुआ था, हमारे माननीय एमपी साहब ने कहा था बनते ही, तो भी गोविंद नगर वाले तो आए दिन एक्सीडेंट के शिकार हैं। लोको शेड का पुल आज भी पेंडिंग है, जो कपूर कंपनी का इतना भारी जनसंख्या हमारी गुजरती है उसी पुल की मरम्मत करा दी, जो कि वो भी किसी दिन गिर सकता। तो शहर पूरा मैं समझता हूँ खतरे में ही है, ना तो गोविंद नगर का बाईपास बना वो जो ओवरब्रिज, ना कपूर अपना ये वाला पुल तैयार हुआ लोको शेड का, ना कपूर कंपनी वाला पुल तैयार हुआ है। तो मैं नहीं समझता जो वायदे करे गए वो पूरे हुए। सवाल खड़ा हो गया, इतने सारे वायदे किए उसमें से अभी तक कुछ नहीं हुआ।
नहीं, मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। जैसे आप काशीराम में एक बाईपास निकल रहा है, आप अगर आज जाएंगे तो एक अच्छी गति से वहाँ कार्य हो रहा है। रही बात लोको शेड वाले पुल की, वहाँ बिल्कुल निश्चित रूप से कार्य हो रहा है। रेलवे की तरफ से अपनी कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं, वो रेलवे की दिक्कतें, उनका भी पूरा आश्वासन है। लेकिन कांग्रेस कह रही है वो पुल उनकी नहीं। देखिए, ये बहुत सारी देना, ऐसे एक नहीं कम से कम 100 मुद्दे होंगे जो निश्चित रूप से कांग्रेस के शासनकाल से चल रहे थे, लेकिन सब जानते उन्होंने कभी भी किसी मुद्दे में हरी झंडी नहीं दिखाई। मैं निश्चित रूप से ये बात फिर कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने हर चीज़ में एक अपनी हिम्मत दिखाई, चाहे वो देश की किसी भी गति प्रगति जो भी सब काम थे उसमें उन्होंने हिम्मत दिखाई। आखिर ये हिम्मत पहले कांग्रेस ने किसी भी मुद्दे पे क्यों नहीं दिखाई? बीजेपी के सांसद को लेकर एक लोगों में बस यही बात रहती है कि वो दिखाई नहीं देते, नजर नहीं आते, चुनाव आया उसके बाद में अब नजर आ रहे हैं, क्या कहें? नहीं, देखिए, सांसद का ये भी रोल तो है कि भाई शहर में दिखाई दे, बट ये अपने जो सांसद है वो दिखाई तो देते हैं, काम तो करते ही हैं, बट उनका क्षेत्र इतना बड़ा होता है कि हर जगह एक समय में पॉसिबिलिटी नहीं कि विजिबल हो, तो कहीं 3 साल तक वो कहीं नजर नहीं आते, बिल्कुल आउट ऑफ सिटी हो जाते हैं, उसके बाद में अब चुनाव आया फिर नजर आने लगे। आपने, आप कितनी बार मिले, कितनी बार देखा आपने अपने क्षेत्र में? नहीं तो हम तो हमेशा देखते हैं अपने सांसद को। कहाँ रहे हैं, कितना कितना क्षेत्र हुआ जानना चाहेंगे? नहीं, इस बात पे तो हम देखिए सवाल का जवाब नहीं है, आपसे जानेंगे। बीजेपी के कैंडिडेट ने अब तक जो प्रत्याशी रहे उन्होंने अब तक इस सीट पे काबिज रहे, अब उसके बाद में उन्होंने बीजेपी को खूब फिर एक बार उस सर्वेश सिंह को मौका दिया, उसके बाद अब एक बार और बात करें, क्या स्थिति है? नहीं, मौका तो इसलिए दिया गया कि उन्होंने क्षेत्र के ऊपर काफी ध्यान करा है, मोदी जी की योजनाओं को पूरा अंजाम दिया गया है, क्षेत्र में उन्होंने हजारों टॉयलेट बनवाए हैं, गांव में बिजली की व्यवस्था इतनी बढ़िया चल रही है कि 20 घंटे का, शहर में भी बिजली कम आती है लेकिन किसान खुश है। मैं खुद गांव से एक संबंध रखता हूं और वहां पे मेरे पास ट्यूबवेल के कनेक्शन हैं। मैं पहले खेती में डीजल लाखों रुपए का फूकता था, आज बिजली मिलती है तो मेरा काम बढ़िया आसानी से, और मैं खेती भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ, मतलब पूरे अच्छे तरीके से गाँव का किसान, मेरे क्षेत्र का किसान पूरी तरीके से खुश है। उसके बाद अगर बात करें शहर की क्या स्थिति है मुरादाबाद? शहर ठीक है, शहर में कोई दिक्कत नहीं है और विकास हुआ है, विकास होना भी चाहिए, और बीजेपी जो है वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग स्थिति में है और अच्छी स्थिति में है। हम यही आशा करते हैं कि 5 साल बीजेपी को और दिए जाएं और हमारे प्रत्याशी क्षेत्र की जनता से अनुरोध करते हैं कि 5 साल जरूर दें आप। बीजेपी को अभी और 5 साल की मांग की जा रही है, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या ये होना चाहिए? भाई साहब, ऐसा है, देश में पूरा माहौल पूरे देश को पता है। 5 साल पहले 14 में जब माननीय मोदी जी की सरकार बनी थी तो मोदी जी ने सबसे पहला वादा करा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 10 करोड़ रोजगार इसमें मिलने चाहिए थे जो कि 2 लाख भी नहीं मिले पूरे हिंदुस्तान में। पहली बात, 15 लाख रुपये हर मजदूर गरीब के आदमी के खाते में होंगे, 1 रुपया नहीं मिला। नोटबंदी से पूरा रियल इस्टेट का कारोबार चौपट, आज 2 करोड़ फ्लैट ग्रेटर नोएडा में बिल्कुल बेकार पड़े, कबूतर उसमें बीट कर रहे हैं। राजनगर एक्सटेंशन में 2 करोड़ फ्लैट पड़े हैं बिल्कुल बेकार, सारे बिल्डर हमारे देश के बिल्कुल बेकार हो गए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होगा तो रोजगार मिलेगा। आज सारे मजदूर बेचारे सड़कों में बैठे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है करने के लिए। GST से व्यापार बिल्कुल ऐसा ही इल्जा दिया कि आज व्यापारी चक्कर काटता घूम रहा, आए दिन हड़ताल होती है वकीलों की सेल टैक्स ऑफिस पे। शहर में कितना बदलाव हुआ? शहर में कोई बदलाव नहीं हुआ, और हमारे जो माननीय सांसद जी हैं तो 20 साल पहले जब ठाकर द्वारा में थे तो ठाकर द्वारा की एक रोड नहीं बनी, आज ठाकर द्वारा की रोड चकाचक है जब से दूसरा हमारा विधायक बना हुआ, और आज की तारीख में मुरवाद में जब से MP बने कितने लोगों ने इन्हें देखा, पहली बात तो यही बता दें। ये तो कतई गायब नहीं रहते, इनका कभी एक खबर आई थी कि नौकर ने पैसे चुरा लिए, दूसरी खबर अब आई या फिर मोदी जी के मंच पर दिखाई दिए, बकाया कोई मैं नहीं समझता काम करा किसी प्रकार का। और दूसरा, हमारा सांसद एक वेल क्वालिफाइड आदमी होना चाहिए, वो प्रतिनिधित्व करेगा, उसे इंटर पास की जरूरत नहीं है। वहाँ माननीय हमारे STSN साहब खड़े हैं जो कि डॉक्टर हैं, FRCS हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, शहर में मेयर रह चुके हैं, पिछली बार भी 4 लाख वोट मिले थे, इस बार भी 5-6 लाख वोट मिलेंगे उन्हें, और धुआंधार तरह से उनकी जीत हो रही है। कांग्रेस ने इमरान प्रताप गढ़ी को उतारा है, क्या स्थिति में? नहीं, देखिए, बाहर के प्रत्याशी का तो मैं बताऊं, जैसे अजरुद्दीन आए थे पिछली बार, कांग्रेस से ही आए थे, वो भी क्रिकेटर थे, सेलिब्रिटी थे, बड़ी उनसे उम्मीदें थी, मैं क्रिकेट स्टेडियम बनवाऊंगा, मैं ये करूंगा, कुछ नहीं कराया उन्होंने। 5-स्टार होटल में आके रुकते थे, वहीं मीटिंग करी और वापस चले जाते थे।
प्रतापगढ़ी, प्रतापगढ़ से आदमी आए कि मुरादाबाद में क्यों काम कराएगा, ये तो हमारे हमारे शहर की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है, देश सबक ले चुकी, तो वो क्यों देगी वोट इन्हें। तो इसलिए मैं समझता हूँ बिल्कुल एसटीएसएल साहब का चुनाव क्लियर है, उसमें कोई संशय नहीं है, सुबह नहीं है। और गठबंधन इस समय इतना पावरफुल तरह से उत्तर प्रदेश में उभर रहा है कि पूरी 60-65 सीटें गठबंधन की आ रही हैं। क्या स्थिति रहेगी, क्या स्थिति? देखिए साहब, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मुरादाबाद में जो इलेक्शन होगा, ये प्रतापगढ़ी जी जो आए ये तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी प्रतापगढ़ वापस चले जाएंगे, और यहाँ जो इलेक्शन है वो नो डाउट सर्वेश जी यानी बीजेपी और एसटी हसन जो है, इन दोनों का एक अच्छा इलेक्शन होने की उम्मीद है। गठबंधन की क्या स्थिति रहने? नहीं, गठबंधन की देखिए प्रदेश में जो स्थिति है तो सभी जानते हैं कि ये गठबंधन एक ऐसा गठबंधन हुआ कि जो कल बहुत, इसमें बहुत ज्यादा अच्छे शब्द कहने की स्थिति नहीं है, तो ये सभी जानते हैं कि कल इनकी क्या स्थिति थी और आज गठबंधन हुआ है, और ये सब जानते हैं कि गठबंधन बहुत दिन नहीं चलने वाला। कौन 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 नंबर एक पर रहने वाला? नंबर एक पर तो बीजेपी रहेगी। गठबंधन कहाँ रहेगा? गठबंधन तो नंबर 3 पर रहना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी वो चले जाएंगे बाहर जहाँ से आए। क्या किस मतलब अगर जनता की बात करें, जनता क्या चाहती है? जनता बीजेपी को जानती है और मोदी को जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या कहें, गठबंधन कहाँ है? गठबंधन तो कहीं नहीं, आज गठबंधन बनाया है, इलेक्शन के बाद देख लेना आप गठबंधन कहाँ रहेगा। उनका कोई मतलब माई बाप ही नहीं रहेगा तो गठबंधन क्या होगा? ये मायावती अपना कहेंगे कि हम पीएम बनेंगे और मुलायम सिंह कहेंगे कि हम पीएम बनेंगे, उसी में गठबंधन खत्म हो जाएगा। तो गठबंधन तो कहीं से कहीं तक सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, जब तक इलेक्शन है तब तक 23 मई को गठबंधन अपने आप खत्म हो जाएगा। क्या कहें, कितनी सच्चाई रहेगी गठबंधन? गठबंधन बिल्कुल 3रे नंबर पर जाएगा, टूट जाएगा। मोदी जी के साथ पूरा क्षेत्र, पूरा समाज, पूरा देश, और ये भी नहीं है क्या हिंदू समाज भी और मुसलमान समाज भी मोदी जी के साथ है, क्यों? उन्होंने काम ही इस तरीके करे, आज तक कोई प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिला, और हम आज भी उसी के साथ रहेंगे। हमारा क्षेत्र, हमारा समाज, हमारे साथ मुस्लिम भाई भी जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम भाई हमसे अलग हों, वो भी मोदी जी को चाहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा विकास इस देश के लिए करा है, और जो मोदी जी कर सकते हैं इस देश के लिए वो कोई दूसरा प्रधानमंत्री किसी भी गठबंधन के साथ आ जाए वो नहीं करेगा। कांग्रेस ने एक अलग घोषणा पत्र जारी किया है, कितना पॉसिबल रहने वाला? जुमला है, जुमला कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। 70 साल में कांग्रेस ने 55 साल राज्य किया है, वो आज तक जो है विदेशों से अपना संपर्क नहीं बना पाई, और मोदी जी ने 5 साल में आकर के अपनी तूती बोला दी, और इससे ज्यादा क्या आपको वो दिए जाए। आपसे जानना चाहेंगे मुरादाबाद में कितना विकास हो, मतलब कितना अभी परिवर्तन की जरूरत है और क्या होना चाहिए था मुरादाबाद? देखो, मुरादाबाद में विकास सड़कों पे दिखाई देता, सड़कें पीछे माननीय अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, जेट फाइटर और राफेल सड़कों पे उतारे, इतनी मजबूत और बेहतरीन सड़कें दी, आज की तारीख में कोई काम नहीं हो रहा कतई। देखो, झूठ बोलने में चाहे जितना बोल लो, पहले राम के नाम पे 25 साल दुआ पूरे देश को, अब राम को ही भूल गए, जो राम मंदिर के प्रस्तावक थे उनके सबके टिकट काट दिए भाजपा ने, चाहे अडवाणी हो, जोशी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, सुषमा उमा भारती हो, सुषमा स्वराज हो, कलराज मिश्रा हो, इन सबको खत्म कर दिया, और आज की तारीख में मंदिर तो छोड़ दिया क्योंकि उसकी जान खत्म हो गई। अब एक नया मुद्दा करा राष्ट्रवाद, अरे जो हमारे राष्ट्र में पैदा हो गया वो तो देशभक्त है ही, इसमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये नए नए मुद्दे लेती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और इनका काम सिर्फ झूठ बोल के बरगलाना है। अब जनता जान गई, पूरा जवाब देगी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी, उस प्रधानमंत्री रहे हैं, पूरा देश इससे सहमत है, उसके बाद 10 साल कांग्रेस ने राज करा, कहाँ चली गई थी ये पार्टी? अब उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कम से कम 20-25 सालों के लिए भाजपा कतई नहीं आ रही, दिखाई भी नहीं देगी, और मैं तो ये तक कह चुका कि 100 साल तक RSS और बीजेपी दिखाई नहीं देने के। अब क्या सच, क्या सच? जैसे बड़े भाई साहब को खैर हमारा नमस्कार, इन्होंने भाई साहब ने अभी कहा कि साहब रियल एस्टेट बिजनेस डाउन हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, शायद माननीय ये थोड़ी सी इस बात को भूल रहे हैं कि आज से पहले रियल एस्टेट, जैसे ये दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में कभी रियल एस्टेट होते तो ये बिल्डर हमेशा बस आपसे पैसे लिए और उसके बाद में सिर्फ ढांचे बन के तैयार हो जाते थे और किसी को कुछ नहीं मिलता था। अब देखिए कुछ भाई साहब गवर्नमेंट की वजह से आज ये थोड़ी सी स्थितियां ये आई हैं कि देखिए कोर्ट से एक आदेश आए हैं कि बिल्डर को अब हर समय ये बिल्डिंग देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और आपने शायद काफी न्यूज पढ़ी होंगी कि अच्छे खासे इसमें बिल्डर को सजा हुई है जो है साहब। तो ये आप देखिए इसी शासनकाल में पहली बार ऐसा हुआ जो आज तक कभी किसी शासनकाल में नहीं हुआ। आपसे जानेंगे क्या कहेंगे
नहीं, मैं ये कहूँगा, देखिए हमारे देश की जनता वेल क्वालिफाइड है, बहुत समझदार है, सारी चीज़ समझती है, उससे झूठ अगर कोई एक बार बोलेगा तो दोबारा उसे मौका नहीं देती हमारे देश की जनता। और हमारे देश की जनता से कोई भी चाहे पार्टी हो यदि झूठ की राजनीति करेगी, जो कि मोदी जी कर रहे हैं, खुलेआम झूठ बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, जो जो स्टेटमेंट उनके आ रहे हैं कतई झूठ की बुनियाद पर हैं, वो जनता जान गई, उसका पता लग जाएगा अभी जो चुनाव आ रहा। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि 23 मई को जो चुनाव डिक्लेयर हो रहा दिखाई भी नहीं देने के,